इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरा मुल्क एक चुनौती से जूझ रहा है। पूरे मुल्क में एक हाहाकार है। मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना ने गोया इसे एक तरह से पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में, अपनी चपेट में लिया है। इसके लिए कोशिशें जारी हैं। कई सारे डॉक्टर्स, मुलाजमीन, सेहत महकमा अपनी जान हथेली पर लेकर खिदमात तो अंजाम दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से उन पर फतह पाने में कहीं तो भी कमी रह रही है। सबसे पहले सवाल कि कोरोना जो मर्ज़ है, इसे जिसे आलमी वबा कहा जाता है, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शहर के दो माहिर डॉक्टर, डॉक्टर हफीज़ और डॉक्टर मकानदार साहब, कुतुबुद्दीन मकानदार साहब। लिहाजा आज वो इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कैसे इस अमराज से, इस मर्ज से, इस आलमी वबा से हम मुकाबला करें और किस तरह से इस पर फतह पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों माहिर डॉक्टर जो बेलगाम शहर के, जिनकी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लिहाजा सबसे पहले मैं डॉक्टर हफीज़ साहब से मैं मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। ये आलमी वबा जिस तरह से फैली हुई है और पूरी दुनिया परेशान है, तो इसे कैसे काबू पाया जा सकता है और ये आखिर वबा है क्या, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोरोना वायरस के बारे में हर एक शख्स जान चुका है और इसके लिए कैसा बचना, मास्क पहनना, दूरी करना, पाक साफ रहना और हो सके उतना बाहर घूमना नहीं, ये तो बेसिक सबको पता है। अभी कोरोना होने के बाद क्या होता है, ये वायरस जब हम सांस में अंदर लेते हैं तो नाक के पास जाके, नाक के अंदर बैठ के एक से दस, दस से लाख, लाख से करोड़ बनती है। जब ये वायरस आती है तो हमारी बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करने में लगती है। वो कैसा डिस्ट्रॉय करती है, तो हमारे हर एक शख्स के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, जो भी बाहर से फॉरेनर अंदर आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई चीज़ हो। तो ये इम्यून सिस्टम को फर्स्ट वीक में हम तैयार करना चाहिए। चंद लोग ऐसे हैं कि जैसे ही बुखार आई, गए डॉक्टर पास, एक इंजेक्शन दे दो, वो स्टेरॉयड दे देता है, तो आपका इम्यून सिस्टम बंद होता है, स्टेरॉयड के जोर पे आप जगते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ कोरोना, नो स्टेरॉयड, नो डेक्सा, नो प्रेडनिसोलोन, नो स्टीरियो, ये तो फंडामेंटल है। उसके बाद उनकी खुवत बढ़ाओ, कोई भी एक विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स। तो और एक चीज़ है हमारे पास, आइवरमेक्टिन जिसे कहते हैं। आइवरमेक्टिन पहले ये गेंडवे की दवा होती थी इंडिया में, तो अभी वो दवा से जॉइंट पेन और रूमेटिज़म भी कम होता था। वही दवा हम इम्यून सिस्टम को थोड़ा छेड़ के उसको तैयार करने के लिए दे रहे हैं। तो समझो एक किस्म का ये वैक्सीन ही है हमारे हिसाब से इम्यून सिस्टम को। ये आइवरमेक्टिन गोली 12 mg के 3 से 5 दिन तक अगर रोज़ एक दिए तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्टिमुलेट होता है, वो जागता है। सेकेंड, अगर बुखार आए तो आप सिर्फ पैरास्टामॉल लें, दूसरी दवा लेके और अपनी बॉडी को कमज़ोर मत कीजिए। ब्लड क्लॉट्स नहीं होना, इसलिए अब से तैयारी, पहले दिन से ही क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन की एक गोली रोज़ लेना ज़रूरी है। और साथ में अगर खांसी, गला खराश है तो वायरस के साथ बैक्टीरिया भी चांस देख के आ जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया नहीं आना बोल के सिंपल एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दिन में 2 बार 7 दिन तक लेना, ये 80-90% लोगों को कामयाबी होती है। ये गोली से नहीं, कुदरत से होती है। हम समझते हैं कि हमने दिया है कभी। और एक दवा है फैबी फ्लू। फैबी फ्लू एक फ्लू की दवा है, स्वाइन फ्लू ऐसे ज़माने में निकली थी। तो हम समझते हैं ये फ्लू के साथ कोरोना भी है और दूसरे भी फ्लू हो सकते हैं। हो सकता है फैबी फ्लू से ये भी वायरस कोरोना थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, इसलिए जब तक उसको मत दो बोलते हैं हम देते रहेंगे जी। उसका डोज है
सुबह 9 शाम में 9 गोलियां 200 एमजी के, यानी 1800 एमजी पहले दिन, उसके बाद 400 एमजी और एक 6 दिन, ये दवा भी आप दे सकते हैं। ये तो हो गया माइल्ड केसेस। 90% कुदरती अच्छा करती है। आया अभी मॉडरेट और सीवियर केसेस। वायरस आने के पहले दिन से आपको हेडेक या बॉडी पेन या गले में खराश कुछ तो होता है, वो दिन लिख के रखो तारीख, 7 दिन तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। 8वें दिन अगर बुखार वापस आ गया तो समझना कि आपकी बॉडी उसको पूरे तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, अब वो अपना रंग दिखाएगा कोरोना। अब आपके पास जो स्टेरॉयड बॉडी में बन रहे हैं वो उतने पावरफुल नहीं है जी कोरोना को खा सके, तो अब बाहर से आप एक स्टेरॉयड लो। स्टेरॉयड एक टाइप की दवा है जो अपने आपको इम्यूनिटी का काम करती है। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 mg/kg, यानी कि 60 से 80 मिलीग्राम एक दिन में देना, 8वें दिन से 15 दिन तक देना ज़रूरी है। जो आदमी गोली नहीं खा सकता, हजम नहीं कर सकता, उल्टी है या गैस है, ऐसे शख्स को इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना ज़रूरी होता है। पहले 7 दिन जो भी वो बोलो, पेशेंट समझता है मुझे दवा नहीं दे रहे, मगर आप अपनी खुद को बढ़ा के आप मारो देखेंगे, जैसा बच्चे को छोड़ते हैं, आप तेरे दोस्तों से निपट ले, अगर आपसे नहीं हुआ तो आदमी बाप आएगा पीछे। तो ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन पीछे से आके जो काम वो बॉडी नहीं कर सके उसको मदद करता है। इसके अलावा वही क्लोपिडोग्रेल, वही एस्प्रिन, वही आइवरमेक्टिन, विटामिन ये कंटिन्यू करना, साथ में आपको रिएक्शन नहीं आना बोल के आप एंटी एलर्जिक गोली ले सकते हैं, टेलमिकास्ट एल तुम्हारा, यानी मोंटेलुकास्ट विथ लिवोसिट्रिजिन गोली ले सकते हैं। HRCT पहले दिन करा के कुछ मतलब नहीं, 6, 7, 8 दिन में कभी करा सकते हैं अगर तकलीफ है। ऑक्सीजन अगर आपका 94 से कम हुआ जब ही लेना, चूंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट मत करो, जिसे ज़रूरत है उसके लिए रखो। अब खुतुब साहब आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन क्या डोज में देना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जो प्योर ट्रांसमिशन दिए सभी भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर हाफिज़ साहब तो अभी बताएं 3 कैटेगरी में है, तो ये वायरस के 3 फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज़ है जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये नाक में और गले में रहते हैं और वहाँ से वो मल्टीप्लाई हो के एक वायरल लोड बढ़ जाता है। ये 5 दिन तक थ्रोट में और नाक में रहते हैं। उसका सेकेंड फेज़ तब तक हल्की बुखार आती है, 99-100, थोड़ा आंग सर दर्द, थोड़ा बुखार, थोड़ा नाक में खुराश, टेस्ट थोड़ा कम होता है। तो 80% केसेस में अपनी बॉडी इसको मार देती है। तो 80% लोगों को असिम्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होती, तो अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम उसको टैकल कर सकती है। जो बच्चे में 20% कैटेगरी लोग हैं वो सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में जाते हैं। जब वायरस मल्टीप्लाई होकर जो वायरल लोड जब बढ़ जाता है तो ब्लड में आ जाते हैं। जैसे ब्लड में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर शुरू होता है 104-105। तो 5वें दिन जिस वक्त टेम्परेचर 104 हो, समझना कि ये वायरस मेरे थ्रोट में से ब्लड में शामिल हुआ। ब्लड में 2 दिन रहने के बाद 3रे दिन वो लंग्स में पहुंच जाता है, तो वो है सीवियर डिजीज़। अच्छा। तो ये इसके डिजीज़ के 3 फेज़ हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। पहले 5 दिन हल्की बुखार आती है, थोड़ा गले में खराश रहता है, आँख दर्द होता है, जॉइंट पेन्स होता है, थोड़ा सर दुखता है, ये माइल्ड केसेस हैं। 80% माइल्ड केसेस में दवाई की ज़रूरत नहीं, अपने आप कम होता है, अपनी बॉडी की डिफेंस सिस्टम उसे टैकल कर सकती है। लेकिन अगर आपका फीवर 104 बढ़ गया तो समझना कि वायरी में आप बढ़ गया, तुम्हारे ब्लड में आ गया। तो सर दर्द कंटिन्यू रहता है या सर दर्द आते जाते रहता है, लेकिन अगर सर दर्द बड़ा आता समझ लेगा कि सेकेंड स्टेज में चली गई। अगर टेम्परेचर 104 के ऊपर चला गया समझना कि वायरी में स्टेज में आया, सेकेंड स्टेज ब्लड में आ गया वायरस, ब्लड के जरिए वो थर्ड स्टेज में लंग्स में पहुँच जाते हैं, तो लंग्स उनका फाइनल टारगेट है। ठीक है, तो 80% लोगों को जो माइल्ड केसेस हैं जैसे डॉक्टर साहब बताए, ये घर पे और ये दवाई से टैकल किए जा सकते हैं। मॉडरेट और सीवियर, मॉडरेट भी टैकल किए जा सकते हैं, लेकिन ओनली खाली सीवियर केसेस को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं वायरस के, तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी है। जैसा हम स्कैन पे भी स्कोरिंग करते हैं,
स्कोरिंग सिस्टम है, कोरैट स्कोरिंग सिस्टम है, तो जो जिसका स्कोर लेस देन 15 है, लेस देन 10 इट इज़ माइल्ड, 10 टू 16 इज़ मॉडरेट, अबव 16 इज़ सीवियर आउट ऑफ 25। तो ये तीन स्टेजेस हैं। तो पहले हफ्ते में स्कैन करने की ज़रूरत नहीं वो, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। पाँचवें दिन के बाद भी अगर बुखार कंटिन्यू रिकर होगी तो स्कैन करना ज़रूरी है स्टेजिंग के लिए, मॉडरेट है या सीवियर है। तो लोग फौरन पैनिक हो जाते हैं इस पर। हाँ, इसमें जो हिम्मत से काम लिया तो वही बच सकते हैं। अगर जो अगर साइकोलॉजिकली आप डिप्रेस हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, डर बैठ जाएगा, तो मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो डर गया वो मर गया, जो हिम्मत से आया वो बाहर रहे होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल की जो आपसी जो क्या जो जहन है, मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग विल्ड, जिसकी मतलब जिसकी उम्मीद पे जिसका जिसके पर उम्मीद है, करेज है फाइट करने का, जीने की उम्मीद है। तो जो उम्मीद हारते हैं उससे ज़िंदगी हार जाते हैं, जो उम्मीद से रहते हैं तो वो फाइट कर सकते हैं। साइंटिफिक भी रीज़न है, जिसका पॉजिटिव थिंकिंग है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जितना उसका माइंड स्ट्रांग, जितना आपके ख्याल स्ट्रांग रहते हैं उतना इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसी के तहत जैसा कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जी, कई सारे लोग इसे वैक्सीन दो दो डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव होने की बात कही जाती है, तो कई सारे लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं, कई सारे लोगों को भरोसा नहीं है, हुकूमत भी कभी कभी दो दो तीन तीन स्टेटमेंट देती है, तो वैक्सीनेशन के ताल्लुक से तमाम तफसीलात। जी जी, मैं बेसिकली आम लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन है क्या चीज़। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम वैक्सीन लेते हैं। जैसे ही पैदा होते हैं बच्चा तो पहला डोज जाता है BCG का, वो बचाता है टीबी से बचाता है। उसके बाद में हमें पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं जो पोलियो से बचाता है। उसके बाद में हमें मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है जो गोबरी बोलते हैं, उससे हम बच जाते हैं। फिर स्मॉल पॉक्स से बच जाते हैं, फिर चिकन पॉक्स से बच जाते हैं, फिर पर्टिकुलर हूपिंग कॉफ से बच जाते हैं। तो एक बच्चे को पहले 5 साल में 8 या 9 वैक्सीन लगते हैं। वैक्सीन क्यों लगते हैं? क्योंकि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो ये भी वायरस हैं, जैसा कोविड वायरस है वो भी वायरस है, और आज तक ये वायरस को मारने की दवा पैदा नहीं हुई जी। इसका एक ही दरिया है कि आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज उसे मारे। इसके लिए ये बीमारियां आज दुनिया से चले गए। स्मॉल पॉक्स चला गया, ऑलमोस्ट पोलियो अभी 99% चला गया, तो उसी कैटेगरी में कोविड भी आता है। इस वायरस को मारने के लिए अभी तक ड्रग्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन और तुम्हारी इम्यूनिटी से मार सकती है। एक ही हथियार है तुम्हारी बॉडी के एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ पैदा करने का जो मेन स्टिमुलस है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जिसमें 2 नंबर के सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। जैसे ही एक बैक्टीरिया या एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो सेंसर है, वो सेंस कर लेता है कि ये एक अनवांटेड ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आया, एक दुश्मन अंदर आया है, तो उसको अटैक करने के लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू हो जाता है। दो टाइप के एंटीबॉडीज हैं, IgM और IgG। IgM जो है वो इमीडिएटली आ जाते हैं विद इन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, और IgG वो आते हैं लेट लेकिन बहुत देर तक रहते हैं, साल तक रहते हैं। वैक्सीनेशन में ब्लड क्लॉटिंग को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। हाँ, चंद स्टडीज है जर्मनी में और इटली में, तो वहाँ पे स्टडीज जो पोस्टमार्टम किया गया जो कोविड डेथ होने के बाद में उनके लंग्स में क्लॉट पाया गया। ये वैक्सीनेशन से नहीं है, ये वायरस पर से है। ये वायरस का एक एक्शन ये भी है कि वो ब्लड को थिक कर देते हैं, जड़ा कर देता है, तो हमारे लंग्स में परफ्यूजन नहीं होता और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता। इसके लिए हम फर्स्ट डे से एक गोली है जो ब्लड थिनर है, कोस्प्रिन उसका नाम है, तो हम वो प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस किया गया है। वो उसी कारण है, क्योंकि वायरस इज़ अ प्रोकॉगुलेंट, इट कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो ब्लड थिनर्स हम फर्स्ट डे से प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व करते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए, एल्डरली पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको देना जरूरी है। जिस तरह से दुनिया के अंदर भारत आज जो कोरोना का सबसे बड़ा मुल्क बना हुआ है, कहाँ कमी रह गई है साहब? ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है हवा से, एंड इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे एक घर में 8 से 10 लोग रहते हैं और जगह कम होने की वजह से ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, तो ये एक हमारी मजबूरी है कि हमारी एक थिकली पॉपुलेट कंट्री है, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकम्स मोर चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो एक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हम एहतियात कर सकते हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग नहीं करना, बार बार हाथ धोना, और अपने आप को आइसोलेट करना, अब अपने घर में रहना, अवॉइड करना इंटरेक्शन, अवॉइड करना, ये सब ये दो बेसिक थिंग्स हैं।
इसके अलावा जो मेन हथियार है जो हम थर्ड वेव को फिर फोर्थ वेव को आने से रोक सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। तो हमें पूरे हिंदुस्तान में एक लेवल लाना है इम्यूनिटी का, उसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब जब सब हिंदुस्तानियों के बॉडी के अंदर वायरस नेचुरली जाए या थ्रू वैक्सीन जाए और एंटीबॉडीज तैयार हो, उस स्टेज को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब हर्ड इम्यूनिटी जब बढ़ेंगी तो थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा, तो फैलेगा नहीं, वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो आवर मेन गोल इज़ टू मेक इंडिया अ स्टेट वेयर यू हैव अचीव्ड अ हर्ड इम्यूनिटी, दैट शुड बी आवर टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हाफिज साहब से पूछना चाहता हूँ सर कि जैसा थर्ड वेव की बात कही गई और खास करके थर्ड वेव में बच्चों को निशाना बनाया जाएगा कोरोना के जरिए, करेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास क्या तैयार, जैसे कि कहते हैं कि वैक्सीन भी हम बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों को वो नहीं हो सकता, तो अब क्या करें उसके लिए बताइए। अच्छा, बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनको फिलहाल वैक्सीन नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारे पास सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। चंद दिनों में इंशाल्लाह स्पुटनिक वैक्सीन भी हिंदुस्तान में शुरू होगा। और एक वैक्सीन है जिसकी मालूमात आपको आप देना चाहता हूँ, एक नेजल ड्रॉप्स है, जैसा पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं ऐसा नेजल ड्रॉप्स भारत बायोटेक शुरू किया है अभी तैयार करने में, ट्रायल्स फर्स्ट सेकंड स्टेज हो चुके हैं। ये ड्रॉप्स शायद अक्टूबर नवंबर तक हमारे मुल्क में पूरा कॉमन हो जाएंगे। जब तक बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को हरगिज़ बाहर ना भेजें और जो माँ बाप है वो वैक्सीनेशन कराए ताकि वो अपने आप को इन्फेक्ट करके बच्चों को इन्फेक्ट ना करे। तो इम्पोर्टेंट है, माँ बाप अगर इंजेक्शन लेते हैं तो सिर्फ आपके भलाई ही नहीं आपके बच्चों के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हैं, ये समझ के मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर ले, आपके लिए नहीं कम से कम मासूम बच्चों के लिए तो ज़रूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर हाफिज़ और डॉक्टर कुतुब मुकंदर साहब, बेलगाम शहर के मारूफ तरीन, जो पूरे शहर ही नहीं बल्कि दिगर जगहों पर भी पूरी तकरीबन रियासत या तो कई मुल्क भर में ये काफ़ी मशहूर है दोनों डॉक्टर। लिहाजा इन्होंने पूरे तफसीलात बयान करते हुए कहा कि अगर इस माशरे को ताकतवर और मजबूत बनाना है तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, लिहाजा उन्होंने कई सारे बातें कही। ये भी एक बात बहुत अहम है सोचने की कि हमारा पहले जहन बीमार होता है और जिनका जहन, जिनके अंदर विल पावर, कुव्वत, जो अंदरूनी ताकत जिनके अंदर मजबूत है वो किसी तरह से इस बीमारी से निकल जाते हैं, लेकिन जो पैनिक होकर डर खौफ के साए में रहते हैं तो अक्सर ये लोग ही शिकार होते हैं। लिहाजा आप भी सभी लोग अपने जहनों को मजबूत बनाइए, ताकतवर बनिए और इंशाल्लाह पूरे मुल्क को भी ताकतवर बनाने की कोशिश करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।